खबर पौड़ी गढ़वाल से। चौबट्टा खाल विधानसभा के लिए व्यास घाट सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन बनेगा। प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, संस्कृति, जलागाम प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा का भ्रमण कर मुख्य अतिथि के रूप में विकासखंड एकेश्वर में राज्य योजना 2020-21 के अंतर्गत ग्राम विकास विभाग के अनावासी भवन के स्वीकृत धनराशि 337.39 लाख का शिलान्यास, उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग नाबार्ड योजना के अंतर्गत निर्मित चेक डैम पिंछारी निर्माण लागत 9.7 लाख धनराशि का लोकार्पण किया। विकासखंड एकेश्वर में आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण और फर्नीचर वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। साथ ही मंत्री जी ने गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित भी किया। सतपाल महाराज ने विकासखंड एकेश्वर भ्रमण के तहत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कोरोना काल में सभी लोगों को घर घर राशन पहुंचाया, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हुई। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए महिला मंगल दलों थर्मल स्कैनर वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत हो रहे कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर छोटे स्तर के अनुभवहीन ठेकेदारों को भी विभिन्न विकास कार्यों में ठेके दिए जाएंगे। कहा कि 9 गांव खाल में एक उच्च स्तरीय लैब बनाई गई है, जिससे एकेश्वर और पोखड़ा के लोगों को टेस्ट कराने के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। 37,39,000 इसके अंदर मैं समझता हूँ वाटर प्रूफिंग बिल्कुल ही नहीं थी और अंदर जो सरिया है वो भी काफी जंग लग गया था, तो मैंने इसके लिए ये करवाया। लघु सिंचाई विभाग द्वारा इसका लोकार्पण हुआ है, तो ये विकास के काम आपके क्षेत्र पे। यहाँ पर सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया और मैंने लैब के लिए यहाँ पर राशि, वैसे तो लोग सीधे नीचे कोटवार चले जाते हैं परंतु तो फिर भी हमने लैब की व्यवस्था कराई। मैंने एक सपना देखा कि मेरे पहाड़ में रेल आए और उसी के लिए हमने सर्वे कराया। दरबान सिंह जी के जमाने में एक सर्वे हुआ था, इनका सर्वे कराया जिसको ग्राउंड और आखिरी ये सपना मेरा साकार। दिन हमारे पौड़ी से जो है पत्रकार बंधु मुझे पूछ रहे थे कि प्रमुख जी आपकी बिल्डिंग की स्थिति तो बहुत खराब है, कभी भी कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो मैंने यही कहा कि हमारे पास हमारे इस क्षेत्र में जो विधायक हैं और अपने मंत्री हैं निश्चित हमको इस बिल्डिंग को जो है नई बिल्डिंग स्वीकृत करेंगे। और आज वो दिन आया कि माननीय महाराज जी की कृपा से, वैसे माननीय महाराज जी ने पहले इसी बिल्डिंग के लिए 2 करोड़ राजा सेक्टर से हमको 3,37,80,000 रुपए स्वीकृत किए गए, तो हमारा वो जो जिला योजना का पैसा वो बह चला गया। और कोई भी विकास कामों में कमी नहीं आएगी। आज हमने जो यहाँ पर शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है, मैं समझता हूँ कि इससे तेजी से विकास के कार्य होंगे और मैंने आदेश दे दिया है कि लोगों का जो मुआवजा है उसका शीघ्र भुगतान किया जाए। मैंने PMGSY को भी निर्देश दिए हैं कि भाई अपना आप मुआवजा पहले दीजिए लोगों को, उससे लोगों को थोड़ी आर्थिकी एक सहायता मिलेगी। और इसके साथ साथ सड़कों का जो रख रखाव है उसमें भी हमने निर्देश दिए हैं कि मलबे को हटाया जाए, सड़कों को साफ रखा जाए और गड्ढा मुक्त रखा जाए, तो उसके लिए निर्देश है। और सड़कों का अलाइनमेंट हम देख रहे हैं, हमने कहा कि भाई आप सड़क का अलाइनमेंट ऐसे करें कि शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर आदमी पहुंच जाए और उससे फॉसिल फ्यूल की भी हमारे देश के अंदर जो फॉसिल फ्यूल के दाम बढ़ते जा रहे हैं उसकी भी जो है कटौती हो। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।